हेलो, वेलकम। मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। परसेंटेज की सीरीज़ का अगला जो सेकंड वीडियो है उसमें आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से अपने पेन पेपर, जो प्रीवियस नोट्स आप बनाते हुए चल रहे थे फर्स्ट वीडियो में, जो आपने पढ़ा है अभी तक, उस कॉपी को जल्दी से उठा लीजिए, क्योंकि उसी कॉपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज परसेंटेज की कुछ और आगे की प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम जल्दी से फिर से बना लीजिए, परसेंटेज, राइट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अभी तक हम क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, तो अभी तक हम एक टेबल पढ़ चुके हैं। ये टेबल आपको हो सकता है थोड़ी बहुत लर्न हो गई होगी, राइट। आपने कोशिश की होगी, प्रयास किया होगा कि इस टेबल को ध्यान से पढ़ा जाए, चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस की जाएँ, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये टेबल की बहुत सारी चीज़ें फिट हो गई होंगी। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए इस चीज़ सारी चीज़ का। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ 1/1 कितना होता है, तो आपका नंबर होगा 100%। 1/5 कितना होता है, 20%। 1/12 कितना होता है, 8/1/3%। 1/11 कितना होता है, 9/1/11% होता है। 1/10 कितना होता है, 10% होता है। आप अपनी कॉपी में देख कर रिकॉल कर लीजिए, शॉर्ट में हम रिकॉल कर रहे हैं, सारे नंबर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब मैंने इस वीडियो के ख़त्म होने पे आपसे बोला था, इन परसेंटेज की हेल्प से हम अब और कुछ नए परसेंटेज डराइव करेंगे। तो आज हम कैसे नंबर को डराइव करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, फटाफट देखते हैं अपन सारी चीज़ें। और ये आ चुकी है हमारी स्क्रीन, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है उसके बारे में आपको बहुत ध्यान से फिर से बता दें, राइट। तो आज की जो क्लास में हमें आपको जो चीज़ें पढ़ाना है वो है डराइव्ड परसेंटेज, राइट। कौन से परसेंटेज हैं भाई, तो हमें यहाँ पर डराइव्ड परसेंटेज पढ़ना है। ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी मीनिंग पे बिल्कुल मत जाना है, हमें प्रैक्टिकली चीज़ें अप्रोच करना है। तो प्रैक्टिकली समझ लो कि एक्चुअल में करवाने क्या वाले हैं हम, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, बताओ मुझे 1/3 कितना होता है, तो आपकी कॉपी में आपने बहुत अच्छे से लिखा भी होगा, जो लिखा है उसको ही रिकॉल करना है, ठीक है। ये लिखा है आपने 33 1/3%, ये सबने लिखा होगा, राइट। ऐसे ही लिखा होगा जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यदि मैं आपसे बोलूँ कि ये जो नंबर आपने लिखा है ना दोस्त, ये जो नंबर आपने लिखा है ना, इस नंबर का एक काम करिए, डबल करके देखिए। क्या करिए, डबल। तो ये फ्रैक्शन तो बनेगा 2/3, लेकिन जो फ्रैक्शन है परसेंटेज वाला वो कितना बनेगा, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो ये 33 का डबल होता है 66, 1 का डबल होता है 2, और 3 का डबल होता है 6। लेकिन आप सभी को पता होगा, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो भाई न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर क्यों मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये गलती हो सकती है आपसे, इसलिए मैंने आपसे ये छोटी सी चीज़ बोली है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको पता पड़ गया क्या हुआ, 1/3 का मैंने 2 गुना कर दिया तो मुझे एक नया परसेंटेज मिल गया, जिसे हम 2/3 फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका परसेंटेज होता है 66 2/3%। ये है डराइव, इनको हम डराइव परसेंटेज बोलेंगे, ठीक है। मतलब ओरिजिनल हमने ये पढ़ा है, लेकिन इसके सहारे हम एक नया परसेंटेज भी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से परसेंटेज को डराइव करके हमें ध्यान रखना है, राइट। तो आइए आगे और चलते हैं, तो और चीज़ें बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ 1/4 कितना होता है, तो आप सभी को पता है सर ये 25% होता है। 1/4 कितना होता है, तो आप सभी को पता है सर ये 25% होता है, 25% ये बनता है। तो अब मैं आपसे पूछूं, यदि मैं इसका डबल करूंगा, तो भाई डबल करना कुछ फ़ायदे का सौदा है क्या? तो डबल करेंगे तो ये 2/4 बनेगा, और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और 1/2 हमारी ओरिजिनल टेबल में लिखा है 50%। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यदि इसको 2/4 लिखूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब तुम सभी ने बना है पता है 50% कॉपी में लिखा हुआ है। ये तो हमारी ओरिजिनल टेबल में ही है, तो हम इसको अलग से डराइव में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसी नंबर का 3 गुना कर दूं, तो मेरा एक नया फ्रैक्शन बनेगा 3/4, 3/4। और ये 3/4 बड़ा काम का है, क्योंकि 25 का 3 गुना यदि आप सभी को पता हो तो ये 75% बनता है। तो ये परसेंटेज ज़रूर ध्यान रखना है।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1/4 होता है 25%, लेकिन उसके यदि हम 3 गुना कर दें तो 75% बन जाता है, जो कि 3/4 के बराबर हो जाता है, राइट। तो 1% ये जो आपने पहले याद किया है, लेकिन उसका अब दूसरा परसेंटेज आपको ये वाला भी याद करना है। ऐसे 1/3 का ओरिजिनल परसेंटेज आपने याद किया है, उसका कंसर्न दूसरा परसेंटेज ये जो लिखा है ना, अब इसको भी याद करना है। लेकिन याद करना नहीं है, ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको देखते रहना है, जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे ये चीज़ें उतनी आपके लिए इजी होती जाएंगी। बैक टू बैक चीज़ें यदि आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ आप ध्यान से सुन रहे हैं, प्रॉपर हेडफोन लगा के बैठे हैं, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप भूल के दिखाना भाई ये सारे नंबर, राइट। लेकिन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ेगी सारी कहानी, ठीक है। कुछ और नंबर हैं, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट बना रहे तो स्क्रीनशॉट बना लो, वैसे मेरे हिसाब से लिखते चलो वीडियो पॉज करते हुए, ठीक है। एनीवे कुछ लोगों की आदत होती है स्क्रीनशॉट की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। और जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 1/5 कितना होता है, तो आप सभी को पता है सर 1/5 का मतलब होता है सर 20%, कितना होता है बेटा 20%। अब इससे बनने वाले नंबर कौन कौन से हैं, और ये बहुत अच्छी लिस्ट में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, तो इस लिस्ट को जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। यदि हम इसका 2/5 करें, मतलब दुगना करें, तो भाई ये हो जाएगा कितना परसेंट, 40%। ये याद कर लो, 40% जहाँ भी लिखा हो मतलब वो 2/5 को बताता है। ऐसे यदि हम इसका 3 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 3/5, और 3/5 मतलब 20 का 3 गुना होता है 60, इसका मतलब ये हो गया 60%। और आगे चलें तो भाई इसी संख्या का यदि हम 4 गुना कर लें तो ये हो जाएगा 4/5, और 4/5 का मतलब हो जाएगा इस संख्या का 4 गुना, इसका मतलब ये हो जाएगा 80%। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जल्दी से अपनी कॉपी में आप एज इट इज़ छाप लो। फिर से बताओ मेरे साथ, रिकॉल करो, 1/5 कितना लिखा है भाई 20%, 2/5 कितना लिखा है 40%, 2/5 कितना हो गया 40%, 3/5 कितना हो गया 60%, 4/5 कितना हो गया 80%। ये सारी के सारे नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिख के बताए हैं, ये प्रॉपरली अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए, ठीक है। एक और लिस्ट मैं आपको बना के देता हूँ, उस लिस्ट को भी आप ध्यान से नोट करिए। अगली लिस्ट जो आपके पास है वो है 1/7 की, या 1/6 की भी ले लो। चलो 1/6 बराबर क्या होता है, तो आपको सबको पता है ये 16 2/3% होता है, 16 2/3% होता है। ये 1/6 कितना होता है, 16 2/3% होता है। यदि मैं इसी संख्या का 2 गुना करूँगा तो आप सभी को पता है 2/6 का मतलब होता है सर 1/3, और इसका मतलब आप सभी को पता है ये 33 1/3% होता है। तो हमें इस संख्या का 2/3 याद ही नहीं करना है, मतलब 2/6 याद नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ही हम आपके से बोले कि इस संख्या का 3 गुना करो, तो 3/6 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है सर, और 1/2 को हम क्या बोलते हैं सर, 50% बोलते हैं। तो हम इसको भी नहीं लर्न करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बेस टेबल में पढ़ रखा है, तो हम इसको अलग से थोड़ा याद करेंगे। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 4/6 कितना होता है। यदि आप सोच रहे हो कि सर सबको 1/1 मल्टीप्लाई करो जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो आप करके देख लो, ठीक है। तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 2/3 हो जाएगी, और 2/3 अभी थोड़ी देर पहले देखा था 66 2/3% के बराबर बनी हुई थी ये नंबर। बात क्लियर है सभी को। ऐसे यदि हम 5/6 बनाए तो ये बड़े काम का नंबर है, तो 5/6 बनाने का तरीका जरूर सीख लो, राइट। तो अब मैं ये जो फालतू की चीज़ें जो हमें यूज़ नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज़ अलग से बनाना नहीं है, मैंने उसको हटा दिया। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इसके डराइव करने वाले नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं। अब इस संख्या के हम सीधा 5 गुना करेंगे, तो 5/6 कितना होगा, तो भाई 16 का 5 गुना कितना होता है 80। ऐसे यदि हम 2 का 5 गुना करें तो कितना हो जाएगा 10, और 3 तो एजटिस आ जाएगा, अपॉन में 3 एजटिस लिखा जाएगा और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। लेकिन अब जो मेरे पास आंसर आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी मैथ्स ये बोलती है कि न्यूमरेटर जब भी बढ़ाओ उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो हमने चले यहाँ पर, तो इस 3 को इससे काटना शुरू कर दिया, राइट। तो 3 को यदि हम काटना शुरू करें, तो भाई 3 को यदि हम काटेंगे तो 3 से 3 बार ये कट जाएगा, और ये 3 इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा 83, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 9 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो आपके पास 1 बचेगा, और अपॉन में 3 एजटिस आ जाएगा। तो हमारे पास
एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि भाई 5/6 का मतलब, 5/6 का मतलब, 5/6 का मतलब 83 1/3% होता है। इसको आप चाहो तो बेस टेबल में जाके अलग से लिख लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। 5/6 याद कर लो, 83 1/3% होता है, इसको तो कंठस्थ कर लो, लर्न कर लो, इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात, इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना, इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो इतने अच्छे से नहीं मिलेगा, इतने आसानी से नहीं सिखाएगा कोई टीचर, ठीक है। तो इसका महत्व समझिए, इतनी बढ़िया चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। चलो बढ़िया से वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बस इतनी रखो, 6/6 100% हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी समरी बताता हूँ, अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं परसेंटेज के अंदर, उसकी थोड़ी सी समरी देखो। अभी मैंने क्या किया है, हर एक टेबल का नंबर उठा रहा हूँ मैं, 1/1 भी उठा सकते हैं, लेकिन 1/1 उठाने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 उठा सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं, 1/3 उठा सकते हैं, मतलब हर नंबर का क्या करिए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, जहाँ तक पॉसिबल है, जब तक वो नंबर 100% में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब तक आप उस नंबर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, ठीक है, मेरी बात समझ गए सारे लोग। तो मैं एक इंपॉर्टेंट और लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं सारे नंबर भी नहीं बनवाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपसे अब रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने बच जाएंगे उन सब के आपको मल्टीप्लायर अपनी कॉपियों बना के लिखना है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो आगे की, अब आगे की रणनीति सुनो। एक नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, जो कि 1/7 है, इसका मल्टीप्लायर भैया पेपर में इतना आता है कुछ पूछो मत, ये होता है 14 2/7, ये याद है कि नहीं सबको, पहले तो ये बताओ। ये 14 2/7 होता है, ध्यान रखना, है ना, ये 14 2/7 होता है। आओ अब चलते अपन लोग इसके मल्टीपल्स पे, तो इसका मल्टीपल देखो, सबसे पहले हमने 2 गुना किया, मतलब 2/7 लिख रहा है, 2/7 कितना होगा, 14 का 2 गुना 28 होता है, ऐसे 2 का 2 गुना 4 होता है, अपॉन में हो जाएगा 7 और परसेंटेज यहाँ पे साइन लग जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ इसी का 3 गुना करो, तो ये हो जाएगा 3/7, और 3/7 कितना हो जाएगा, तो 14 का 3 गुना होता है 42, और ऐसे ही आपके पास 2 का 3 गुना होता है 6/7 में हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 42 6/7%। अब मैं इसी नंबर का 4 गुना कर रहा हूँ, तो मैं आपसे यदि 4/7 की चर्चा करूँ, तो 4/7 कितना होगा, तो भाई 14 का 4 गुना कितना होता है, 14 6 56 होता है, 56 होता है, ये लिख दिया 56। ऐसे यदि हम इसको सॉल्व करें, तो भाई यहाँ पे भी 4 गुना करेंगे, तो 2 का 4 गुना 8 होता है, 8 ऊपर 7 नीचे। लेकिन वही बात फिर से आ गई सामने, क्या आ गई सर, कि प्रॉपर नहीं है सर ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन आपके पास प्रॉपर नहीं है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए 7 से इसको 1 टाइम कट कर दो, 7 1 जा 7, ये 1 इससे जोड़ लो, तो ये नंबर हो जाएगा 57 और ऊपर बच जाएगा 1/7। तो हम इस बात को ये याद करें, मतलब कहीं भी यदि 57 1/7% लिखा है, तो आपको क्या याद आना चाहिए कि ये 4/7 के बराबर लिखा है। कितने के बराबर लिखा है, 4/7 के बराबर लिखा है, राइट। ऐसे हम लोग 5/7 भी निकाल सकते हैं, वही कुछ नहीं, इसका 5 गुना कर दो, तो 14 5 70 होता है, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। ऐसे अपन इसका 5 गुना करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 7। फिर से वही कटिंग करना पड़ेगी भाई, इसकी फिर से अपन को क्या करना पड़ेगी, कटिंग करना पड़ेगी, नहीं बिना काटे तो काम ही नहीं चलता, तो आप इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 7 से 1 बार चला जाएगा, 7 1 7 मतलब ये हो जाएगा 71, और बचेगा कितना आपके पास, 3/7 और बच जाएगा। तो अब मैं बस इतने ही आपको परसेंटेज लिख के दिखा रहा हूँ, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में अब तुमको ये मालूम तो पड़ गया कि अनिल सर आगे और क्या कराने वाले हैं, राइट। क्योंकि हमें अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करने का वाले हैं हम लोग, या क्या चीज़ पढ़ना है, ये जानकारी बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो जानकारी आपको दी है कि जो टेबल आपको पिछली वीडियो में सिखाई गई थी, उस टेबल के हर एक नंबर को उठाना है और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे डराइव्ड परसेंटेज आपके पास बन जाएंगे। ध्यान रख लोगे छोटी सी बात, वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इसके आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ इंतज़ार ज़रूर रखिएगा, हर दिन एक वीडियो आ रही है आपके पास।
ठीक है। तो प्लीज़ रोज़ाना आप इसी तरह से मैथ्स बाय एनएसआर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर तमाम तरह के वीडियो आपको आपकी कैंपस प्लेसमेंट या वन डे एग्जामिनेशन की कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। मिलते हैं हम अगले और भी इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मैथ्स बाय एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।